अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी बहुत आउटस्टैंडिंग हुई। अभी तक कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि शायद इतना क्राउड अट्रैक्ट नहीं कर पाता जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हैं इन दुबई, और बहुत जल्द इसको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। खुशाइन बात की 2019 के सीजन में वी विल हैव अबाउट 8 मैचेस टू प्ले इन पाकिस्तान। और राशिद, आपको बड़ी मुबारक हो, आपकी सबका टीम कराची किंग्स इट वेंट थ्रू, और बड़ा आला वो जो पार्टनरशिप हुई है लियाम लिविंगस्टन की और जो आउटस्टैंडिंग खेल है बाबर आजम, एंड बाबर आजम इवॉल्व होते नजर आ रहे हैं। 2019 उनका साल लग रहा है, द वे दे प्लेड 156 रन रिकॉर्ड पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट विकेट, और कोई मौका नहीं दिया उन्होंने अपनी अपोजिशन को। नहीं, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई कराची को जीतते हुए देखे, क्योंकि अपने हाथ की टीम बनी हुई है। ड्राफ्ट तक तो मैं था, तो लिविंगस्टन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लैंकाशायर से शायद है, और इन दो T20 भी इंग्लैंड से खेले हुए हैं, और बहुत फर्क पड़ा है उनके आने से, क्योंकि कॉलिन मनरो अभी शुरू के मैचेस में नहीं होंगे। मसला ये आएगा जब वो आ जाएंगे तो वो किस नंबर पे खेलेंगे। लेकिन जहाँ पे इतना जितना खुशी हुई कराची की जीतने की, उतना ही अफसोस लाहौर के हारने का हुआ। हमेशा यही होता है कि टीम उनकी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, अभी डिविलियर्स सभी उनके पास आए हैं, लेकिन फिर भी वो आखिर में 5 ओवर में 22-23 रन बनाए उन्होंने। हालांकि अच्छा स्टार्ट मिल गया था और उसके बाद मैच हार गए। क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और जिस तरह से फहीम अशरफ ने बैटिंग की है आसिफ अली के साथ। अब मसला ये है कि आसिफ अली डोमेस्टिक में तो बहुत ही आला है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी टीम को भी। जब तक वो क्रीज पे है ये नहीं समझना चाहिए कि मैच ओवर हो गया। अगर डॉक्टर आप देखें कि शुरू में 128 पे एक या दो आउट थे लाहौर के, और तकरीबन 7 ओवर बाकी थे और इतने ज्यादा रन नहीं बना पाए, तो एक चीज और देखने को मिली कि सोहेल अख्तर को उन्होंने ओपन कराया, हालांकि एडवीसी थे इनके पास, तो एक पावर हीटर मिसिंग था बीच में। बीच में जिस टीम के पास पावर हीटर नहीं होगा उसको प्रॉब्लम इसी तरह से होगी, जिस तरह से कल कराची किंग को भी सेम हुई है। लास्ट 5 ओवर में 24-25 रन बनाए, इनके पास भी बीच में कोई पावर हीटर नहीं है, और इस T20 लीग में कोई भी फिनिश नहीं करता, लिविंगस्टन हो या बाबर आजम हो। बस यही है कि ये अपना उमर अकमल के वो फिनिश बहुत अलग कर रहे हैं। नहीं, अच्छा। वो शॉर्ट को बाद में बात करते हैं। हाँ, तो ये दोनों टीम में अब आज मैच है इनका, मैड्रिड और बार्सिलोना का मैच आज रात है, और देखते हैं कैसा होता है। लेकिन लाहौर में अभी शुरू के मैचेस में तमाम टीम अपनी टीम को बिल्ड कर रही है, प्लेइंग 11 सही से नहीं खिला पा रही, और जिस तरह मुल्तान ने खिलाई है उनके पास भी कुछ प्लेयर्स आने हैं अभी, वो प्लेइंग 11 सही से नहीं बना पाए। लाहौर कलंदर का स्पेशली हर कोई ये बात करता है कि सबसे अच्छी टीम होती है और हार जाते हैं, तो ये देखना है कि उनकी प्लेइंग 11 क्या थी। जैसे सोहेल अख्तर को उन्होंने जदीद ने फुल सेटिस्फाई किया, फवाद राणा को और आतिफ राणा को सेटिस्फाई किया था हाकिम ने। बात तो टीम तो पूरी देखें, 16-18 की जब टीम बन जाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो प्लेइंग 11 बनती है उसमें आपको देखना पड़ता है। हालांकि ये भी अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो फास्ट बॉलर है हारिस शायद वो खेल रहा है, जो कि 25 साल का तकरीबन 23 साल का होगा, वो 25 साल का होगा, जो कि इमर्जिंग में नहीं आते, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोई प्लेयर भी खेल सकता है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन लाहौर के बनाए हुए प्लेयर मुदस्सिर को देखिएगा, वो गुलाम मुदस्सिर वो क्वेटा से खेला है, जो कि हमारे लिए 2012 में पोर्ट कासिम के लिए खेल चुका है, तो उनके ऊपर अकमल जाके कहीं और परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, बस एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे इनको आज का मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना फिर एक दफा फिर इनको आखिरी नंबर के में ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, नाम मुझे एक चीज बताएं कि व्हाट लाहौर इज कंट्रीब्यूटिंग, अगर उन्होंने पीएसएल में फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाना अपना कॉम्बिनेशन और रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस नहीं करने, तो व्हाट गुड इज दैट कप ऑफ टी जिसमें आप चीनी भी मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट बीइंग एबल टू हैव इट। मेरे ख्याल में तो लाहौर को रिवाइज करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो मैनेजेरियल पार्ट में या कोचिंग पार्ट में, या किसी तरह ये प्लेयर इवॉल्व नहीं कर पाते। द वे दे ट्रीटेड उमर अकमल, और फिर वो आप ही ओटी के प्रोग्राम में थे और आपने कहा कि जी दिल के करीब है लेकिन टीम से दूर है,
But uski ab response aur body language dekhe Umar ki, the way he played Sarfaraz ke saath jisme kal khele aur jisme unhone finish kiya jo 72 runs banaye hain aur jo quality of cricket jo ki hame pata hai ki Umar khel sakte hain wo Quetta ko to single handedly ek most convincing win to Quetta ki thi sir ji 155 chase kar raha tha doctor isme hai ye ki टीम मैनेजमेंट पे बड़ा फर्क पड़ता है टीम कल्चर पे बड़ा फर्क पड़ता है हैबिट पे फर्क पड़ता है टीम का माहौल क्या है होटल में क्या माहौल है उसके के अलावा क्या एक्टिविटीज है ड्यूरिंग द गेम्स ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो जो लाहौर कलंदर की एक्टिविटीज है होंगी मे बी वो क्रिकेट से दूर हो जिसकी वजह से प्लेयर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता डिस्कार्टेड प्लेयर है अहमद शहजाद भी और उमर अकमल और बड़े बड़ा दिल गुर्दे का काम है नदीम उमर साहब का कि उन्होंने अपनी टीम में हिस्सा बनाया नो डाउट इसमें इनपुट सरफराज और मोइन खान की तो बहुत लोग कहते हैं कि मोइन खान के तीन बेटे हैं ना आजम खान अहमद शहजाद और उमर अकमल नहीं अच्छी बात है मोइन खान ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि मैं अपने बेटों की तरह रखूंगा टीम में इनको पॉजिटिव साइन है किसी भी प्लेयर को जो कि आप समझे कि बैड बॉयज के नाम से जाने जाते हैं पूरे पाकिस्तान में उनको कोई टीम लेने के लिए तैयार नहीं थी जैसे हमने भी रजा हसन लिया था आपको पता है पीटीवी ने कि रजा को कोई लेना नहीं चाह रहा था नहीं रजा हसन को भी देखें ये क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को जाता है कि लाहौर कलंदर में उन्होंने लिया लेकिन वो इस दफा किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम उनके साथ भी है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर को उनको रिटेन करना चाहिए था किसी प्लेयर को एक मैच या दो मैच या एक सीजन पे आप ठीक ना करें उसको थोड़ा टाइम जरूर दें एक सीजन और खिलाते हैं उनको अच्छा राशिद एक और चीज कि उमर अकमल मेरे ख्याल में शायद आप समझे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि बाबर आजम को चले पुट हिम ऑन अ साइड के वो अब इवॉल्व हो गए हैं मेरे ख्याल में कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में पाकिस्तान में एक तो कमरान अकमल और दूसरे उमर अकमल दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन तो उमर अकमल को हमने क्यों नहीं नेशनल टीम के लिए कंसिडर किया कि ठीक है उनके एटीट्यूड इश्यूज हैं तो वो मैनेजेरियल फेलियर भी हुआ ना अब मुझे बताएं कि आसिफ को जिस तरह आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आसिफ पे क्वेश्चन मार्क है ठीक है डोमेस्टिक के वो बहुत अच्छे होंगे व्हाई नॉट कि उमर अकमल पांच पे आके आपको वो इंपीटस जो है वो प्रोवाइड करें वनडे नेशनल्स में भी अभी आगे वर्ल्ड कप इज लूमिंग अराउंड 10 वनडे नेशनल्स है तो हमने क्या जिद क्या बना ली हुई उमर के साथ नहीं मेरे ख्याल से ये पीसीबी की गलती नहीं है टोटली मैं ब्लेम दूंगा उमर अकमल को दूंगा इसमें कौन सी क्रिकेट नहीं खेली डॉक्टर साहब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली भरपूर खेली टेस्ट डेब्यू पे 100 है भाई टेस्ट डेब्यू पे 100 है वनडे 100 से ज्यादा वनडे हो गए होंगे उनके T20 कौन से वर्ल्ड कप नहीं खेले उन्होंने सब कुछ तो खेल लिया विकेट कीपिंग कर ली लेकिन अगर परफॉर्मेंस उठा के देखते हैं और एटीट्यूड देखते हैं तो ये इस एटीट्यूड से आप अपने नेशनल टीम के साथ नहीं खेल सकते आप फ्रेंचाइज के साथ खेल सकते हैं और डॉक्टर अभी एक मैच हुआ है हमें पूरे मैच देखने पड़ेंगे किसी को जांचने के लिए कि वो कितना इवॉल्व हो गया है कितना बेहतरी की तरफ जा चुका है पूरा टूर्नामेंट आपको पीएसएल देखना पड़ेगा अगर वो टॉप स्कोरर बनता है और टीम को सिंगल हैंडेडली लास्ट नाइट की तरह जिताता है तो आपकी मैनेजमेंट है पीसीबी सोच सकता है कि हाँ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट उठा के देख रहे लास्ट 3-4 ईयर से या जब से खेल रहे हैं टोटल 10 से 11 सेंचुरीज हैं मेरे ख्याल से इतनी भी नहीं होंगी तो फिर बनता नहीं है इस वक्त ये लकी थे कि कामरान अकमल की वजह से जल्दी खेल गए और अच्छा परफॉर्म कर दिया टीम का माहौल बेहतर था और अच्छा परफॉर्म कर दिया उसके बाद जब प्रेशर पड़ा इनको और उसके बाद ये संभल नहीं सके उसके बाद जो जो हरकतें हुई है आपके सामने है ट्रैफिक पुलिस वाला मामला हो जाए हैदराबाद वाला मामला हो जाए मैं समझ गया अंगूरों मामला हैदराबाद वाला मामला से मुझे ये बताएं कि अहमद शहजाद को क्या हो गया है उसका जो डिस्पेंसेशन थी जो स्टार्ट था वो इनक्रेडिबल था ही इज द ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जिसकी तीनों फॉर्मेट में 100 है और कुरे एंडरसन से उनका वो गेंद लगा था जब वो 176 में खेल रहे थे एंड देन उसके बाद से फिर एटीट्यूड भी और वो अब कल भी वो पहली गेम पे आउट होंगे सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग उनका प्लॉट कहां पे मिस हो गया डॉक्टर कभी कुछ प्लेयर्स होते हैं कि दिल भर जाता है जिस तरह से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आपने जो फेम हासिल कर लिया छोटे से टाइम में वो शुरू में आए ड्रॉप हुए दोबारा आए और परफॉर्म किया लेकिन उसके बाद उन्होंने सोच मुझे ऐसा लगता है कि सोच लिया कि शायद उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है
और उसके बाद उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड भी आपने देखा तब्दील हुआ था, जिसकी वजह से गेम से फोकस फोकस हट गया था और मोस्टली वो सीनियर प्लेयर के साथ घूमते हुए और तस्वीर खिंचाते हुए नजर आते थे। तो यही वक्त होता है कि अपने आप को संभालना, फोकस। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं फोकस से जब हटते हैं तो फिर उनको कोई याद नहीं करता। इसी में आप देखें, हफीज है इवन, या यूनुस था, या मिस्बत है, इन्होंने तो कभी अपना फोकस नहीं खत्म किया ना, और परफॉर्म करते रहे। जैसा भी खेले T20 या वनडे में, टेस्ट मैच में तो अच्छा खेले, इन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अभी टीम्स देखी है सारी की सारी, सबसे कंफ्यूजिंग तो मुझे मुल्तान सुल्तान की टीम लगी आउटफिट, लेकिन क्या लग रहा है? आई पर्सनली फील कि कराची की जो बॉडी लैंग्वेज है, और कराची टीम कैन बी वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट, और जल्दी मुझे कुछ आउट ऑफ स्टॉक्स लगती नजर। नहीं, कराची टीम अच्छी है। मैं इसको इस दफा की जो टीम जो बन रही है ना, वो क्वेटा की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरू के मैचेस 2-3 मैचेस से अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टीम लास्ट टाइम कलंदर, ये जलमी बहुत खराब खेली थी, 1-2 आखिर के मैच अच्छे खेल के उन्होंने सुपर क्या प्ले ऑफ में जगह बनाई, वहां से वो जीत गए। कराची टीम बाहर तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर जब आउट होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा। बॉलिंग कराची की आप कह सकते हैं कि चाहे शारजा में मैच हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे लाहौर या कराची, इनकी बॉलिंग ऐसी है कि पांचों जगह इनको हेल्प करेगी। ओके, और वन लास्ट थिंग कि क्वेटा ग्लैडिएटर को अगर आप देखें, सिरफराज अहमद, शेन वॉटसन, सुनील नारायण, ड्वेन ब्रावो, उमर अकमल, मोहम्मद नवाज, राय रूसो, सुहेल तनवीर, अनवर अली, साउथ शकील, साउथ को लग रहा है कोई चांस मिलेगा? मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। फवाद अहमद इतने इंप्रेसिव नहीं है जी, मोहम्मद असगर, तो टीम इनकी भी तगड़ी है अगर आप देखें, जी डॉक्टर, अगर हम 20 प्लेयर के नाम लेते हैं ना, तो बहुत सारे साथ हम ओवरसीज के बड़े नाम भी गिनवा देते हैं, लेकिन हमें खिलाने 4 प्लेयर होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी इनके खेले थे कल 7-8 नंबर पे बैटिंग करने के लिए वो आए थे, तो अभी फवाद भी खेले, जब इनके नारायण आ जाएंगे, दूसरे प्लेयर जब वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद इनको टीम प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन सरफराज इस PSL में, मतलब के कैप्टेंसी की अगर बात करते हैं, बड़े शूट कैप्टन है, उसको टीम को जिताना लगाना आता है। Anyways, 2 times finalists have died. This is high time the Quetta Gladiators jo hai ki they should win the tournament. Aur apne analysis jari rakhenge. Rashid Latif, spot on 14, record behind.